नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, उन्होंने कहा कि सर वीडियो बनाइए कि सीआरपीसी 125 में जो वरण पोषण है, जो महिला मुकदमा फाइल करती है कि हमें अपने पति से वरण पोषण दिलाया जाए, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं के संबंध में आज हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि महिला पहले क्या करती है कि 498A का मुकदमा थाने में दर्ज कराती है या फिर कोर्ट में केस फाइल करती है, तो वहां वो इस चीज को जाहिर करना चाहती है कि हाँ, हमारे साथ क्रूरता हुई। जैसे ही थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जांच होने लगी, उसको पता है कि एक पक्षी बयानों के आधार पे ही मैटर बन जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद में वो मेंटेनेंस का केस लगा देती है कि हमें पति से वरण पोषण। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 498 का केस आपके ऊपर दर्ज हो गया है। अगर उसने कोर्ट में किया है तो उसने 156(3) में डाला होगा सीआरपीसी के तहत, तो उसने एफिडेविट दिया है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो उसमें पूछे जा सकते हैं? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं स्लाइडें तो नहीं लगाता हूँ। तो जब महिला 125 सीआरपीसी का परिवाद दाखिल करती है, तो उसके साथ में एफिडेविट भी लगाती है, और बिना एफिडेविट के कोई भी कोर्ट में कोई भी मामला दाखिल नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले महिला कहती है कि हिंदू विवाह अधिनियम या मुस्लिम विवाह या जो भी धर्म के अनुसार जो कुछ भी रहा हो, उस हिसाब से वो उसका वर्णन करती है, इनसे फला फला जगह पे इस स्टेट में मेरी शादी हुई। तो तीन क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस के लिए। पहला ये आता है, जैसे मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी पत्नी ने अगर मेंटेनेंस का दावा किया है कि हमें मेंटेनेंस दिलाया जाए हमारे पति से, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी पत्नी है या नहीं है, इस पे डिसाइड होता है मेंटेनेंस। दूसरा ये होता है कि वो भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है, इस पे डिसाइड होता है मैटर। तीसरा ये होता है कि वो आपसे अलग क्यों है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है उस पे वो ऑलरेडी थाने में मुकदमा दर्ज करा चुकी है, वो दिखा चुकी है कि यहाँ क्रल्टी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जब WS फाइल करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं, जब हमारे पास सम्मन आता है, तो हम अपने रिटर्न स्टेटमेंट में पहले ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये हमारी पत्नी है। अब जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी पत्नी है, तो वो उसकी बात पुख्ता हो जाती है। इससे कैसे बचाव करना है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही पूछा जाता है कि आपकी पत्नी है, शादी कहाँ हुई, किस स्टेट में हुई। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि आप अपनी पत्नी का भरण पोषण क्यों नहीं करना चाहते, तो हमें उसमें जवाब देना चाहिए कि ये हमसे दूर रह रही है, इस ना बिना किसी कारण के हमसे अलग रह रही है, ये हम पे झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने WS में लिख देते हैं कि मतलब कि हम बेरोजगार हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। तो इसका बचाव क्या है, कि इसका हमें जवाब देना चाहिए कि हमारी पत्नी ने जब से हमारे ऊपर केस किए हैं, हमारे खिलाफ केस किया, हमारे परिवार के खिलाफ केस किया है, तब से हम काफी मानसिक प्रताड़ित हैं, हमें झूठे मुकदमों की पेशबंदी करनी पड़ रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से हमें कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, वो अकारण हमें परेशान किया जा रहा है। और जब आप अपने WS में ये कह देते हैं हम बेरोजगार हैं,
तो अपोजिट पार्टी यानी आपकी पत्नी का जो वकील होगा ना, वो तुरंत इस चीज को बोलेगा कि जब आप बेरोजगार है तो आप अपनी पत्नी को कैसे मेंटेन करते होंगे अपने घर में। जाहिर सी बात है, वो छोड़ के चली ही जाएगी। काफी स्मार्ट क्वेश्चन है ये। तो हमें यहाँ पे जवाब देना है कि हम जब शादी करके ले गए, खुशी खुशी ले गए, संपन्न परिवार था, प्यार से रह रहे थे, सारी चीजें थी, लेकिन जब से केस किए गए हैं हमारे खिलाफ, उसके बाद से हमारी रोजी रोटी चली गई, बेरोजगार हो गए, परेशान हो गए। लेकिन अगर मेरी पत्नी मेरे साथ में रह के चले तो हम इन सारी दिक्कतों से निजात पा सकते हैं और अपना काम धंधा भी कर सकते हैं, अपनी सर्विस भी कर सकते हैं, अपना काम धाम भी कर सकते हैं। कुछ पति ये लिख देते हैं कि नहीं साहब, मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं कुछ नहीं, मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं। तो अपोजिट पार्टी यानी आपकी पत्नी का जो वकील है ना, वो तुरंत रिवर्ट फाइल करेगा कि आप बेरोजगार हैं तो आप अपनी पत्नी का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो ये सारी चीजें आती हैं। तीन चीजें हैं, आपकी पत्नी है नहीं है, भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है, बिना किसी रीजन के वो आपसे अलग है तो क्यों है, ये तीन क्वेश्चनों पे मेंटेनेंस हमेशा डिसाइड होता है और इन्हीं का हमें संभल के जवाब देना है। तो जब हम रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें ये चीज़ स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी पत्नी है। दूसरा ये कि साहब हम बेरोजगार हैं, हमारे ऊपर मुकदमे दायर किए गए, अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। कि पत्नी का अगर वकील स्मार्ट हुआ ना, तो वो एक लास्ट क्वेश्चन यही करेगा कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, कैसे रखेंगे जब आप बेरोजगार हैं, तो कैसे रहेगी वो आपके साथ। तो हमें इसका बहुत स्मार्ट क्वेश्चन जवाब देना है कि जब हम बेरोजगार हैं, हम भी कह रहे हैं और वो भी भरण पोषण मांग रही है, हमारे साथ में रहे या फिर उसको लग रहा है कि हम नहीं रख सकते उसको, तो हमसे तलाक की मांग करे, क्यों नहीं कर रही हमसे तलाक की मांग। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, अब वो मेरिट टू मेरिट होते हैं, सारे किस्सों की अलग अलग मेरिट है, सारे मैटरों की अलग अलग कहानी है, लेकिन अंत में कहानी वही आती है कि भरण पोषण, आपने देखा होगा महिलाएं झूठे एफिडेविट देती है, बढ़ा चढ़ा के सारी चीजें करती है। तो ये मैटर टू मैटर डिसाइड करता है, और ये सारी चीजें है ना, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी का आपको अगर किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अपने कमेंट में जरूर बताएं कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए आपकी क्वेरी क्लियर करने में आसानी नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है कि अपने कमेंट करें, पेज को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी बचाया जा सके। और क्वेश्चन जो आपकी पत्नी का वकील पूछेगा ना, वो घुमा फिरा के पूछेगा, और आप जब भी जवाब दाखिल करें तो बहुत सोच समझ के करें। अपने आप को बेरोजगार दिखा रहे हैं, आप बेरोजगार हैं सही है, आपके ऊपर केस लगे हैं सही है, आपकी पत्नी है ठीक है, वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है वो भी ठीक है, तो हमें इसका स्मार्टली क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि आपको घुमा फिरा के आपके ऊपर बात आने वाली है। देखते रहिए, अपने सजेशन दीजिए, और ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, और बाकी का आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए